वाव अच्छा लग रहा है। गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सबसे पहले आप सभी को मैरी क्रिसमस। और आज के ब्लॉग में मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। मेरे घर के बगल में दो छोटी छोटी बच्चियाँ रहती हैं और उन्होंने कल, आज क्रिसमस है तो कल उन्होंने एक सेंटा क्लॉज ट्री पता नहीं क्या क्या बना रहे थे, तो उसमें मैंने थोड़ा सा ही मदद किया था। मैं ज़्यादा देर वहाँ नहीं थी लेकिन आज वो पूरा बन गया है, तो चलिए दिखाते हैं कि उन्होंने क्या क्या बनाया। तो ये देखिए कितने ध्यान से ये अपना होमवर्क कर रही है। तो यही है सेंटा क्लॉज जो इसने रात भर बनाया है और इसको बनाने में इसको 3 घंटा लगा। इसमें से जो आगे का डेकोरेशन था उसमें थोड़ा बहुत मैंने किया था बट मैं ज़्यादा नहीं कर पाई थी, बाकी सारा इसने यूट्यूब से देख के किया था मानना पड़ेगा। और यहाँ पे कुछ चुन्नी लाइट भी लगाया है जो कि जलेगा तो और अच्छा लगेगा। और यहाँ पर सबसे क्यूट लगा मुझे छोटा छोटा जो इसने सेंटा लगाया, मतलब क्रिएटिविटी देख रहे हो कितनी सही की है इसने। क्या है आयशी? सेंटा क्लॉज है। अच्छा लग रहा है, ऐसे करके दिखाओ, ऐसे दिखाओ क्या बनाई हो तुम। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है तो मैं क्या पहनूँ। मैंने दो ड्रेस निकाल के रखा है, मैं दिखाती हूँ आपको कौन कौन सा। तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी मैं क्या पहनूँ। आज क्रिसमस है तो मैं रेड ही पहनूंगी। तो पहले मैंने ये रेड ड्रेस निकाला था और ये वाला रेड टॉप है मेरे पास। और तो मैंने सोचा ड्रेस आज नहीं पहनूंगी, मैं टॉप ही पहनूंगी। टॉप को मैं पेयर करूंगी ये ब्लू जीन्स के साथ। लूंगी मैं ये ब्लैक कलर का बैग, ये काफ़ी अच्छा है। अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, हम सोच रहे थे हम कहाँ जाए घूमने। एक तो है पार्क स्ट्रीट जो कि यहाँ पे बहुत फेमस है वहाँ की लाइटिंग के लिए और वहाँ के क्रिसमस के लिए। बट प्रॉब्लम ये है ना कि वहाँ पे बहुत क्राउड होता है और अगर आप एक बार जाओगे तो वहाँ पे पूरे रोड पे आपको से चलना पड़ेगा। वहाँ पे जाने का मतलब ही आपका 3 से 4 घंटे का टाइम लग जाए। तो अभी फटाफट तैयार हो जाते हैं, उसके बाद निकलते हैं। हम लोग अभी घर से निकल चुके हैं, हमने सोचा था सुबह ही निकलेंगे लेकिन बहुत शाम हो गया और 5 बजे देखे कितना अंधेरा हो गया। और सबसे बड़ा गलती मैंने की, हील पहन के मैंने इतना हील पहन, एक्चुअली मैं हील पहनती नहीं हूँ, अभी इसको पहन के चला ही नहीं जा रहा, उतने देर से धीरे 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 चल रही हूँ। तो अभी हम लोग निकल गए हैं और देखते हैं कहाँ जा सकते हैं। इतना लेट हो गया है तो हमारा जो पहले का प्लान था वो शायद चेंज होगा। जहाँ भी जाएंगे आपको दिखाएंगे। घूमते घूमते न्यू टाउन की तरफ आए थे तो हम लोग ने देखा, हम लोग यहाँ रुक गए, यहाँ पे पूरा मेला लगा। हम आगे बढ़ ही रहे थे तो हमें मोमो दिख गया, तो सोचा पहले मोमो खा ले। तो ये रहा हमारा मोमो भाई साहब, ये 5 पीस हमें 60 रुपया पड़ा, बड़ा महंगा है यहाँ का मोमो। अब चलिए इसको खाते हैं। मोमो तो काफ़ी टेस्टी है, काफ़ी झाला। ठंड में मोमो खाने का मज़ा ही कुछ और है, ठंड में मोमो से बेस्ट कुछ नहीं। भी जल्दी से इसको खा लेते हैं फिर आगे मेले में चलेंगे और देखेंगे उसमें क्या क्या है। जैसे मैं चल रही हूँ हील पहन के, मेरे को तो नहीं लगता कि आज मैं पहुँचूँगी, लेकिन यहाँ का रोड मैं आपको दिखाती हूँ कितना अलग है। न्यू टाउन एरिया जितना सुना था उससे ज़्यादा सुंदर है। हम यहाँ सुबह आते थे तो यहाँ तक समझ में नहीं आता, बट आज हम रात को आए तो देखिए ये कितना सही लग रहा है। चारों तरफ कितना सुंदर सा यहाँ पे डेकोरेशन किया और काफ़ी अच्छी वाइब है। और मेला तो काफ़ी सही है यहाँ का, काफ़ी बड़े प्लेग्राउंड में बनाए हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे राइड्स हैं बच्चों के लिए खासकर, तो बहुत अच्छे अच्छे राइड्स हैं। हमने सोचा किसी राइड पे जाए बट आप यहाँ भीड़ देखो, वहाँ पे राइड्स में जाने के लिए कितनी लंबी लंबी लाइन पहले से ही लगी। टर्किश आइसक्रीम पे था, हमने पूछा इन्होंने 200 बोला, हमने आगे बढ़ गए। इतना महंगा आइसक्रीम कौन ही खाएगा वो भी ठंडा में। तो अभी हम जा रहे हैं कुछ गेम्स खेलने, यहाँ पे बहुत सारे गेम्स हैं और मज़ा आएगा, चलिए खेलते हैं। यहाँ पे कुछ टेडी बियर वाला है, हमने सोचा गन वाला खेल, एक बार में 5 गिराने से वो ये टेडी मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे गेम्स हैं, इस गेम में तो मैं हमेशा ही हारी हूँ, जो बॉल डालने वाला होता है उसमें कभी भी बॉल जाता ही नहीं। तो अच्छा ही हुआ हम लोग यहाँ रुक गए, अब चलते हैं यहाँ पे थोड़ा देखते हैं क्या क्या है। तो न्यू टाउन आना हमारा बहुत कम होता है लेकिन आज हम लोग बहुत सही डे पे आए हैं तो आपको बहुत कुछ दिखा सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे हमें कम्युनिटी जोन दिखा और ये कितना मुझे याद आ रहा है, किसी न किसी रील में मैंने इस जगह को देखा था बट मुझे लगा नहीं था कि ये जगह इतना सुंदर है।
और फाइनली यहाँ पे कुछ प्लेइंग एरिया बनाया है और यहाँ पे कुछ सिटिंग अरेंजमेंट्स बनाया है और यहाँ के हर एक वॉल को काफ़ी अलग अलग कलर से पेंट किया गया है जो कि देखने में सामने से बहुत अलग लग रहा है और अच्छा। तो हैंग आउट करने के लिए तो बेस्ट जगह है यहाँ, और आप फैमिली के साथ भी आ सकते हो, फ्रेंड्स के साथ भी। कितनी बड़ी जगह है और यहाँ पे पूरा, आप यहाँ पे कुछ एंट्री वेंट्री का नहीं है, कुछ फ्री में आप आके यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो। अगर चिल्ड्रन आते हो तो यहाँ पे खेल सकते हो। काफ़ी सही लगा मुझे ये जगह। सबसे बेस्ट बात मैं बताऊँ, यहीं पे आपको बहुत सारे फूड कोर्ट मिल जाएंगे जहाँ पे बहुत टेस्टी टेस्टी खाना मिल रहा है। तो अभी हम निकल गए वहाँ से, भूख तो काफ़ी तेज़ लगे लेकिन यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो अभी यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं, देखते हैं आगे, देखते हैं क्या खाते हैं, क्या खाते हैं। तो हम लोग खाने के लिए आए हैं किचन रेस्टोरेंट में, हम लोग आके यहाँ पे बैठ गए हैं और यहाँ के एम्बियंस काफ़ी इतना अच्छा रेस्टोरेंट है यहाँ का, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। उसके मुकाबले यहाँ का जो मेन्यू है वो काफ़ी रीजनेबल है, आपको वो भी दिखा देती हूँ। तो हमने आते ही बिरयानी ऑर्डर कर दिया, बिरयानी क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, किचन पूरा फुल है, तो उन्होंने इसलिए हमने कर दिया कि आने में भी हाफ एन आवर का टाइम लगा। अभी 9 बजे हैं और हमें जितने भी इससे पहले जो नए रेस्टोरेंट गए थे वो भी काफ़ी भीड़ था, मतलब आज तो क्रिसमस है तो ऑब्वियसली सब बात है, सब रेस्टोरेंट में काफ़ी लाइन था। तो अभी यहाँ पे भी आए हैं तो आते ही हमने ऑर्डर कर दिया। देख सकते हो रेस्टोरेंट कितना सही है यहाँ का, और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक बार मेन्यू दिखा देती हूँ, आप इसको पॉज करके देख सकते हो। आपको सच बताऊँ तो यहाँ पे जब हम आए थे मुझे लगा कि मेन्यू काफ़ी एक्सपेंसिव होगा, लेकिन नहीं, काफ़ी रिजनेबल था और क्रिसमस के लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं था, तो ये काफ़ी अच्छा बात है। तो ये हमारा हांडी बिरयानी आ गया और साथ में रायता है, तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं, देखते कैसे। तो बिरयानी बहुत सही है यहाँ से, जितना पता उससे ज़्यादा अच्छा, और भूख लगी थी तो ज़्यादा ही अच्छा रहा था, तो जल्दी से इसको ख़त्म कर देते हैं। तो हमारा खाना पीना हो गया है, जिसमें बिरयानी खा के मज़ा ही आ गया, बहुत टेस्टी था बिरयानी यहाँ का। तो अभी यहाँ से खा लिया है, पेट भर गया पूरा, अभी यहाँ से निकल, आज लगता है आज डिनर तो मैं नहीं करने वाली क्योंकि आज बहुत ज़्यादा है। तो हम निकल गए किचन से और अभी अब जा रहे जल्दी से घर, अभी घर जा ही रहे थे तो मेरे को याद आ गया कि मुझे केक लेना था, केक लेके घर जाना था, तो यहीं पर कहीं मियोम और बीच में दिखेगा तो केक ले लेंगे। घर पहुँच चुके हैं, अचानक से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और बहुत ठंड लग रही थी, मैंने ये जैकेट पहना था फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो केक ले आई हूँ मैं, मियो मोड़ी गई थी और ये बोलिए मुझे केक मिल गया, क्रिसमस है तो केक तो बनता ही है। ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मैं इसे चेंज करके एडिट करने बैठूंगी, कोशिश करूंगी कि आज ही इसको डाल दूँ, बहुत ज़्यादा थक गई आज का दिन तो बहुत हैक्टिक हो गया। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।